हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, पैसा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम सब जानते हैं। हर मिडिल क्लास की या हर इंसान की, ये हर गरीब इंसान की ये सपने जरूर होते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमको सोचना ना पड़े। हमको अपने बच्चे की एजुकेशन अगर करवानी है तो हमको ये ना सोचना पड़े कि हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे, या फिर हमको हमारी फैमिली में जब किसी को कोई तकलीफ़ हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है या फिर हमको उसका इलाज करवाना पड़ता है तो हम इतना ज़रूर हमारे दिमाग में आता है यार कि हमारे पास इतना पैसा होता जो हम इनका इलाज करवा पाते। सिचुएशन लाइफ में कभी ऐसी हो जाती है इंसान की कि हमारी जॉब वगैरह अगर चली जाएँ तो हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना। तो ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑथर ग्रैंड सेवेटायर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। हर किसी से जब आप पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको करने के लिए आपको जॉब ना करनी पड़े, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हैं वहाँ से आपको इतना पैसा आ रहा हो कि जो आपके डेली नीड्स की चीज़ें हैं और या फिर जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं वो आपके वहाँ से कवर हो रहे हों। दोस्तों, आज की जो हमारी बुक है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसे लिखा है ऑथर ग्रैंड सेवेटायर ने। तो ग्रैंड सेवेटायर ने एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उनको जॉब का ऑफर आ गया था। उन्होंने अगले कुछ साल जॉब की। जब वो 24 साल के हो गए तो जो जॉब वो कर रहे थे वो जॉब भी उनके हाथ से चली गई, और उनकी स्थिति उस समय ऐसी हो गई कि वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे और वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो गए थे। अब हमारे इंडिया में थोड़ा पैटर्न अलग है, बट अगर हम US की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि जब कोई 18 साल का बच्चा हो जाता है तो वो एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वहाँ पर, मतलब वो पेरेंट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। उनका ये है कि वो खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो खुद अपने खर्चों का वहन कर सकें, अपनी लाइफ को चला सकें। तो ग्रैंड सेवेटायर 24 साल के हो गए थे और वो अभी भी अपने पेरेंट्स के ही साथ में उनको जाना पड़ा, पेरेंट्स के साथ में उनको वहाँ पे अपना रहना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और वो सोच सोच के परेशान थे कि यार मैंने अच्छी पढ़ाई भी पूरी की है, अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं, अच्छी जॉब भी मुझे मिल गई थी। तो जो कहते हैं लोग कि एक सक्सेसफुल इंसान के पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, वो मेरे पास थी। आज इतने साल होने के बावजूद भी मेरे जेब में कुछ भी नहीं है। ऑथर की जेब में उस समय सिर्फ $2 थे उनके बैंक अकाउंट में, जो उन्होंने टोटल अपना कैलकुलेट किया, और कुछ कर्ज उनका क्रेडिट कार्ड के ऊपर था। अब वहाँ पर उनके घर वाले भी उनको बार बार यही बोलते थे कि भाई जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, जॉब ढूंढो, जॉब पता करो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओ। तो ऑथर कहते हैं वहाँ से उनके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि इतने सारे घंटे काम करने के बाद, इतने सारे साल काम करने के बाद आखिर में मेरे पास आज कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ $2 है। अब $2 की अगर हम बात करें, आज की डेट में अगर हम बात करें तो $2 मुश्किल से 160 या 165 रुपये के आसपास के बैठते हैं। तो आप सोचो वहाँ से ग्रैंड सेवेटायर ने क्या किया कि वहाँ से उनके दिमाग ने क्लिक किया। उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, अब मुझे पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, अब मुझे वो चीज़ करनी है कि मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए नौकरी ना करनी पड़े, अब मुझे इस तरह से काम करना है। वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ग्रैंड ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, वो बहुत सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी, आर्टिकल, जर्नल, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा। जितने अमीर लोग थे विश्व के उनसे उन्होंने सीखा, जो उन्होंने किया अमीर बनने के लिए, उस रास्ते पे वो चले, और आखिर में 30 साल की उम्र तक वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया था कि मुझे $1 million मुझे कमाना है अगर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो वो टारगेट उन्होंने मात्र 5 साल बाद, जब वो 30 साल के हुए, तो 30 साल की उम्र में उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया था, यानी कि 30 साल की उम्र में वो एक तरह से कह लो रिटायर हो गए थे। तो ऑथर कहते हैं हम सबको इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, रिटायरमेंट की जब बात आती है तो बहुत से लोग तो सोचते भी नहीं है इस बारे में। जब हम 20s या 30s में हम जब होते हैं तो हम लोग सोचते नहीं हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारी जॉब चली जाएगी तो उस समय हम क्या करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे पाएगा, उस समय हम अपने एक्सपेंसेस कैसे कर पाएंगे। एक्सपेंसेस तो तब भी होंगे। अब कोविड के टाइम पे हमने देखा कि मंदी आ गई थी और जॉब चली गई थी, कितने सारे लाखों लोगों के रोज़गार गया था उस समय, लेकिन खर्चे तो तब भी थे। आप खाना तब भी खा रहे थे, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल तब भी दे रहे थे, आप टेलीफोन एक्सपेंसेस तब भी कर रहे थे, आप इंटरनेट का चार्ज, आप DTH का चार्ज, सारे चार्जेस आपके तब भी चल रहे थे। लेकिन इनकम उस समय थी नहीं, इनकम उस समय किसी की भी थी तो लिमिटेड इनकम उस समय हो गई थी।
तो ऐसी सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में ना आए, तो उसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने की ज़रूरत है और आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हो सके आप इसके बारे में सोचो। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कैसे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करके जल्दी से जल्दी आप रिटायर हो सकते हो। देखिए, रिटायर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ काम नहीं करना है, बस आप जाके घर पे सो। रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको अपने खर्चे चलाने के लिए नौकरी ना करनी पड़े। हमें से बहुत से लोग वो नौकरियां कर रहे हैं कि जिन नौकरियों को हम पसंद ही नहीं करते हैं, सिर्फ वो नौकरी हमको इसलिए करनी पड़ रही है ताकि हम वहां से कुछ इनकम हमको मिल सके, ताकि हमारे घर के खर्चे पूरे हो सकें, बच्चों की फीस जा सके, घर में राशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस पूरी हो सके। तो ऑथर कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी पैसा दे रही हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उस इन्वेस्टमेंट से आपके पास इतना पैसा आ रहा हो कि आपके जो डेली के खर्चे हैं वो आपके पूरे हो रहे हों, और आप वो काम कर पाओ जिस काम में आपको खुशी मिलती है। मान लो आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि मुझे फोटोग्राफी में बहुत काम करना है, और लेकिन मजबूरी में आपको क्या करना पड़ता है, आपको मजबूरी में कोई दूसरा काम करना पड़ता है क्योंकि फोटोग्राफी आपको अभी उतने पैसे नहीं दे रही। तो ऑथर यहां पर कहते हैं कि आप वो काम कर पाओ जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हो और रिटायर होकर आप वो काम करना चाहते हो जो आपको करना अच्छा लगता है, ये वो नहीं जो आपको मजबूरी में करना पड़े, तो फिर आपको 7 steps को फॉलो करना होगा। 7 stages यहाँ पे ऑथर बताते हैं जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे अपनी चलता है। अब कौन सी हैं वो 7 stages, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ यार, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, आपका सब्सक्राइब और आपके जो लाइक्स होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमको इनक्रेज करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए ला पाएँ जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो पाए। हमारा भी टारगेट है कि फाइनेंशियल एजुकेशन को हम दूसरों की ज़िंदगी तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता ही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अपनी अचीव करनी है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हम लोग एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ अचीव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं है कि हमको बेसिकली चाहिए क्या। अब जब तक आपको ये पता नहीं है, सपोज करो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, आपको यही पता नहीं है आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। जब आपको पता चला कि यार मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, अब आप उसका सिलेबस पढ़ोगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे और उसी तैयारी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम को दोगे, तभी आप क्रैक करोगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयारी PCS की कर रहे हो और आप एग्ज़ाम क्लियर जो है वो IAS का कर दोगे या फिर कोई दूसरा क्लियर कर दोगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम के सिलेबस अलग हैं। तो क्लैरिटी आपकी होनी जरूरी है, आपको पैसा कितना चाहिए, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। ऑथर यहाँ पर एक फार्मूला बताते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसके लिए एक फार्मूला है कि आपकी जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से। मान लो आपकी जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो है, मान लिया 4 lakh rupees, 4 lakh rupees आप एक साल में जो है वो खर्च करते हो, तो इसको अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो अमाउंट बन के आती है वो आती है 1 crore rupees। यानी कि आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको 4 lakh rupees साल के मल्टीप्लाई करने हैं 25 से, और आपकी रकम बनती है 1 crore rupees। आपको 1 crore rupees चाहिए अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। अब सिर्फ 1 crore की अमाउंट इसलिए है कि जो आपका खर्चे हैं ना वो बेसिकली आपकी जो अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए कि ताकि आपके खर्चे उससे कवर हो पाएँ, इसलिए बेसिकली ये अमाउंट यहाँ पर रखी गई है। अब बात आती है जब क्लैरिटी आपके माइंड में आपने सेट कर दी कि मुझे 1 crore rupees की रकम चाहिए कि मुझे अगर फाइनेंशियली फ्री अपनी लाइफ में होना है, ये सबसे पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज जो आती है वो है सेल्फ सफिशिएंसी की स्टेज। सेल्फ सफिशिएंसी की स्टेज में क्या होता है, जब आप जॉब शुरू करते हो शुरू में तो आप क्या करते हो, आप एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने खर्चे खुद चलाने लगते हो, आपको सैलरी मिलती है, आप अपने खर्चे वहाँ पर जो चलाने लग जाते हो। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी सारी सैलरी ऐसे उड़ा देते हैं सारे खर्चों पर कि हम वहाँ पर बचाते कुछ भी नहीं है, और हम सोचते ही नहीं आगे के बारे में कि ऐसा समय भी आएगा एक लाइफ में जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो उस समय हमारा क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको उस समय सोचने की ज़रूरत है जब आप दूसरे स्टेज में होते हो, तो उस समय अवसर कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, यानी कि आपकी आज स्थिति क्या है। अब वो कैसे आप पता कर सकते हो, आज आप कहाँ खड़े हो, ये
आप किसी भी एज में, एज ग्रुप में अगर हो तो आप अपने आप अपने ऊपर भी इसको आप लागू कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब नेटवर्थ आप अपनी कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब कि टोटल कितनी वो है आपके पास, ताकि पैसा कह लो, स्टॉक्स, बॉन्ड, इंश्योरेंस, जो भी आपके पास टोटल है वो कितना है आपके पास, टोटल नेटवर्थ अगर आज की डेट में आप कही जाए। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अमीर लोग वो दिखते हैं बेसिकली जिसके पास महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले, महंगे घर होते हैं, लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल गलत है अमीर की। जिसके पास महंगी गाड़ी है, महंगा घर है, जरूरी नहीं है कि वो अमीर है। अमीरी का पता इससे चलता है कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, यानी कि उस दिन के पास, उसके पास उस दिन तक कितना पैसा उसके पास है, टोटल मिला के, सब मिला के वो नेटवर्थ कितनी है उसकी, सब चीज़ को अगर मिला दिया जाए तो वो बेसिकली अमीरी की एक निशानी है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी, एक तो जब सेल्फ सफिशिएंसी की स्टेज में आप होते हो, आपको टोटल इनकम आपकी कितनी है, जैसे आपको सैलरी मिलती है और साथ में आप कोई ट्यूशंस करते हो या फिर कोई पार्ट टाइम काम करते हो, तो टोटल इनकम आपकी कितनी है, आपकी इनकम, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, मंथली में आप कितने एक्सपेंसेस आप टोटल अपने करते हो, कि जो खर्चे हैं आपके कितने टोटल हैं आपके, सेविंग्स आपकी कितनी है, आपके बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है, आप इंश्योरेंस कितना आप जमा करते हो, LIC वगैरह अगर आपने करवा रखी हो, या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, आपने सेविंग्स में अगर रखा है तो कितना परसेंट रिटर्न आपको उससे मिल रहा है, या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखे हैं तो वहां से आपको कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। कैश फ्लो का आपको ध्यान रखना है कि आपका कैश फ्लो, जो पैसा आपका आ रहा है सारी जगह से, यानी कि कुछ ट्यूशन से या कुछ जो भी आप पार्ट टाइम काम करते हो या फिर जो सैलरी आपकी है, टोटल पैसा आपका कितना आ रहा है आपके पास और कितना आपका जा रहा है आपकी जेब से, उस कैश फ्लो पे आपको नजर रखनी है। कैश फ्लो का आपको ध्यान रखना है, एसेट्स को आपको समझना है और लाइबिलिटीज को आपको समझना है। एसेट्स क्या चीज़ है, देखो एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मान लो कि आपने कोई घर लिया, आप रहते हैं एक जगह पे, आपने कोई घर लिया और उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वहां से हर महीने अब आपकी जेब में पैसा आता है, तो वो आपके लिए एसेट है बेसिकली। तो जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटी, और जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट, सीधा सा फॉर्मूला इसका ये। तो कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहना चाहिए। आपकी जो नेटवर्थ है वो कैसे निकलेगी, कि कितनी नेटवर्थ है आपकी, आपके पास टोटल असेट्स कितनी है, जिसमें कि आपका बैंक, जिसमें कि आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपके स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, आपका इंश्योरेंस की पॉली LIC हो गई, इन्वेस्टमेंट के दूसरे जो आपने चीज़ें करवा रखी हैं, और लाइबिलिटीज़ मतलब जो आपको कर्ज देना है अपने दोस्तों का, किसी रिश्तेदार का, या जो है बैंक का कोई ब्याज कर्ज वगैरह देना है, लोन कोई आपके ऊपर चल रहा है, होम लोन है, कुछ भी है, तो जो भी आपकी, जो आपने कर्ज देना है किसी को, जो कर्ज है बेसिकली आपके ऊपर, तो कर्ज जो है वो होता है आपका क्या, लाइबिलिटीज़, और एसेट्स आपकी वो हैं जो आपका मतलब कैश है, जो आप उस दिन तक अगर बेचोगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा। तो आपको हर चीज़ एक कॉलम में लिखनी है, हर चीज़ आपको लाइबिलिटीज़ लिखनी है, और एसेट्स में से आपको लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है, और तब आपके जो हैं वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका नेटवर्थ। जैसे सपोज करो आपकी टोटल असेट्स बनती हैं मान लिया 10 लाख रुपए की, तो आपका जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 7 लाख रुपए की आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, तो आपकी जो नेटवर्थ बनेगी वो बनेगी आपकी 3 लाख की आपकी, ठीक है, कि 3 लाख आपकी जो है वो नेटवर्थ है। तो इस तरीके से आपको निकालनी है अपनी नेटवर्थ की, आपकी नेटवर्थ कितनी है। तीसरा जो स्टेज आता है इसमें वो है ब्रीदिंग रूल। ऑथर कहते हैं कि दूसरे स्टेज के बाद तीसरा स्टेज ऐसे आता है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी एसेट्स और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने कोई घर लिया है और वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, कोई कमर्शियल व्हीकल आपने ली है वहाँ से आपको हर महीने पैसा आ रहा है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से डिविडेंड के रूप में और दूसरे सोर्सों के रूप में आपका पैसा अगर आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, तो वो वहाँ से आपका इतना पैसा आ रहा है कि अगर आपको सैलरी मंथ में अगर नहीं भी मिले तो भी आपका घर चल जाएगा, यानी कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इन्वेस्टमेंट से कवर हो रहे हैं, आप उस सिचुएशन में हो। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि देखो सैलरी आपको मिल रही है, इनकम आपकी आ रही है, लेकिन सैलरी अगर नहीं भी मिलती तो भी आपका घर चल रहा है, लेकिन अगर वो सैलरी आपको मिल रही है तो वो सैलरी आपको एज इट इज़ खर्च नहीं करनी है, वो सैलरी आपको उस समय आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ऑथर कहते हैं कि उस समय आपको क्या है, अपने एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करना है, आपको सोचना है किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कि क्या आपके पास पैसा है पर्याप्त इसको खरीदने के लिए, या फिर कोई कर्ज वगैरह की व्यवस्था करके आप इसको खरीद रहे हो, क्या फिर ये इसकी आपकी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसा है कि आप इसको भविष्य के लिए टाल सकते हो, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे आज ही की आज लेनी है, मैं फ्यूचर में भी इसको ले सकता हूँ। आप क्या वो चीज़ जो आप ले रहे हो वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है क्या, या फिर
उसको आप ये भी सोच सकते हो कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसको लेने में। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम अगर उसमें खर्च कर रहे हो, घंटों के हिसाब से उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो रिसर्च करने में, वो भी आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है और मनी अनलिमिटेड है दुनिया में। इसलिए टाइम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और क्या वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आएगी, खुशी लेके आएगी, ये भी आपको सोचना है, और कितने टाइम तक वो हैप्पीनेस रहेगी। कई बार हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं कि वो हमको 2 मिनट के लिए खुशी देती है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर हम बाद में सोचते हैं यार नहीं लेते इसको तो हमारा काम चल रहा था। तो ये देखो कि क्या वो खुशी आपकी लंबे समय तक बनी रहेगी उस चीज़ के साथ में, ये आपको जरूर सोचना है। उसके बाद आती है नंबर 4 की स्टेज, और वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की स्टेज में पहुंच जाते हो तो आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, कर्जा नहीं है आपके ऊपर, फाइनेंशियली रूप से आप जो है वो बेसिकली स्टेबल हो। तो अब क्या है इसमें, अगर आपकी इनकम रुक भी जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपकी सैलरी अगर रुक जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास 6 महीने का जो है वो एक क्या है, एक्सपेंसेस का बैकअप है, यानी कि जो भी आपके खर्चे घर में हैं, आपके पास इतना पैसा आपने कर लिया है कि 6 महीने तक अगर आपकी इनकम नहीं होती तो वो बैकअप आपका चल सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब गई तो लोगों के पास अगर बैकअप होता 6 महीने का तो वो बड़े आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर पाते। उसके पास क्या है, अब ऑथर कहते हैं जब ये स्थिति आ जाती है आपकी स्टेबिलिटी की, अब आपको फोकस करना है अपनी सेविंग के ऊपर। आपको अपनी सेविंग के ऊपर यहाँ जो है फोकस करना है। यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, स्टेबिलिटी की स्टेज में आके आपने क्या किया, सेविंग के ऊपर फोकस करना है, और जो बड़े खर्चे हैं आपके उसको भी ध्यान रखना है। बस आपकी सेविंग्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट को छोटी छोटी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। 3 जो मेजर खर्चे ऐसे हैं, बहुत बिग एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो क्या है, सबसे पहले है आपका हाउसिंग, दूसरे पर ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरे में फूड। हाउसिंग में बहुत महंगे महंगे घर में लोग बहुत महंगे महंगे घर में हम रहने लग जाते हैं, जबकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा बर्डन लोन का अपने ऊपर ले लेते हैं और हम उस घर में चले जाते हैं, या फिर हम रेंट पे भी अगर रह रहे हैं तो इतने बड़े घर में रहते हैं कि जो हमको लोगों को दिखाना है बस खाली कि मैं इस VIP घर में रहता हूं, और वहां पर हम जो है रेंट पे रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप चाहो तो आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाओ कि जहां पर वहां से आधा किराया हो, या फिर वहां पे 30% जो भी किराया कम हो आप वहां शिफ्ट हो जाओ, और जो पैसा आपका वहां से बचे उस पैसे को आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, ताकि वो पैसा आपके लिए पैसा जमा करने का काम करे। दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा है कि महंगी लग्जरी गाड़ियां हम खर्च करते हैं जबकि हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है उनकी एक्सपेंसेस से, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। बट हमने मैक्सिमम लोग देखे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन 20 लाख 25 लाख 30 लाख की गाड़ी हम हैवी लोन पे लेते हैं और हमको उस लोन की EMI को चुकाने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले सकते हो, आपको कार चाहिए आप यूज़ कार आप ले सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ आप कर सकते हो। तो जो पैसा आपका बचता है वो पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पैसे को आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे फूड है। ज़रूरी नहीं है कि आपको महीने में 10 दिन बाहर खाना खाने के लिए जाना है और उसमें 10,000 रुपये आपको खर्च करने हैं। आप चाहो इसको कंट्रोल करके महीने में आप 2 दिन 3 दिन आप बाहर खाना खा लो, उसको आप कंट्रोल कर लीजिए, बाकी जो पैसा आपका वहाँ से बचे उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप घर पे खाना खा सकते हो। कई चीज़ें हमने देखी हैं, हम उसी चीज़ को अगर घर में बनाएंगे तो कम कॉस्टली पड़ती है, और उसी चीज़ को अगर हम बाहर खाने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए कंट्रोल आपको करना है अपनी एक्सपेंसेस के ऊपर, आपको देखना है कि क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, ऑथर कहते हैं 5वीं जो स्टेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल में अब आप फ्लेक्सिबल हो, अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि एक्सपेंसेस की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी एक्सपेंसेस बड़े आराम से कवर हो रही हैं। अब ऐसी स्थिति में ऑथर कहते हैं आपको क्या करना है कि आपको 6 मंथ का जो आपका बैकअप था अपना एक्सपेंसेस का जो आपने बनाया था उसको 2 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना है, यानी कि 2 साल का बैकअप अब आपको अपने लिए बनाना है, यानी कि 2 साल तक अगर आपको कोई इनकम ना हो पाए तो आप प्रॉब्लम में ना हो, ऐसी स्थिति में आपको करना है। आपको अपनी 9 to 5 की जॉब जो है उसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, यानी कि 9 to 5 की जॉब में आपको बेसिकली वो जॉब आपको करनी है। वहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो नंबर एक आपको अपनी सैलरी बढ़ाने पे फोकस करना है, आप नई स्किल्स सीख सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो आप वहाँ पे, और उससे आपकी इनकम वहाँ पे बढ़ सकती है। आप अपना जो पार्ट टाइम बिजनेस है वो बिज़नेस आप उसमें ग्रो करने की सोच सकते हो, उस बिज़नेस में कैसे आप उसमें और इनकम अपनी बना सकते हो वो आप सोच सकते हो। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो अभी आप कर सकते हो, जिस काम को जहाँ से आप इनकम कर सकते हो, आपको रिसर्च करनी है। उसके बाद क्या है कि आपको, ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी मेन जॉब को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका जो पार्ट टाइम का बिजनेस है वो आपको मेन जॉब से ज़्यादा इनकम ना देने लग जाए।
बहुत से लोग गलती करते हैं कि जो उनकी मेन इनकम होती है उसी को वो बंद कर देते हैं, क्योंकि सैलरी हमारी बहुत बड़ी मेन इनकम है। एक हम दूसरे जब तक हमारे पार्ट टाइम बिजनेस से इतना पैसा नहीं आने लग जाए ना क्विट करने का फैसला कर सके, तब तक आपको जॉब क्विट नहीं करनी है, आपको तब तक जॉब कंटिन्यू करनी है। वहाँ पर आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पे आपको फोकस करना है। ऑथर कहते हैं कि सेविंग जरूरी है, लेकिन सेविंग से भी ज़्यादा जरूरी है आप अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करो। किसी भी तरीके से आप पार्ट टाइम बिजनेस आप कीजिए, पार्ट टाइम काम आप कीजिए, आप अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव कीजिए ताकि आपकी जॉब में भी आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद कहते हैं ऑथर कहते हैं कि आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो। फॉर्मूला क्या है? स्किल्स प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मोर मनी। यानी कि अपनी स्किल्स को जब आप काम करोगे, स्किल्स नहीं आप सीखोगे, अपने स्किल्स को जब आप बढ़ाओगे, इम्प्रूव करोगे उसको, और साथ में आप अपना नेटवर्क बनाओगे, ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, नए लोगों से आप मिलोगे, जितना हो सके लोगों से आप मिलो, तो जब आपका एक नेटवर्क बन जाएगा और आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो आपके पास ऑटोमेटिक ज़्यादा पैसा आने लगेगा। छठवीं जो स्टेज है वो स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। ये वो स्टेज है कि अब आपको खर्चों को सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और एडिशनल भी आप कर सकते हो। आप ऐसी स्थिति में हो कि लाइफ टाइम अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपका चल जाएगा, यानी कि आपके पास इतना पैसा आएगा, आपके एसेट्स जो आपके हैं वो आपको इतना पैसा इन्वेस्टमेंट और एसेट से मिल रहा है कि आप अब जिंदगी भर भी काम नहीं करोगे तो भी आपका चल जाएगा। वैसी स्थिति में ऑथर कहते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी आपको स्टॉप नहीं होना है, अब आपको एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से सोचना है, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपको डेवलप करना है, आपको नए तरीके अभी भी ढूंढने हैं कि कहाँ से आप और इनकम को अपनी बढ़ा सकते हो और उस इनकम को भी बचा के आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको वो चीज़ सोचनी है, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा सेविंग करो और इनकम को बढ़ाने पे आपको अभी भी फोकस करना है कि कैसे मैं और इनकम बढ़ाऊँ बेसिकली अपनी। सातवीं जो स्टेज है वो है एबंडेंस ऑफ वेल्थ। ये वो स्टेज है जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, खर्चे आप सोचना ही नहीं पड़ता आपको, किसी भी खर्चे के लिए आप कोई भी खर्चा कर सकते हो और आगे की लिमिट तक जाके भी आप खर्च कर सकते हो, इतना पैसा आपके पास इसमें होता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें पैसा होता है आपके पास। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो स्टेज है आपकी, इस स्टेज तक आने के लिए आपको इस 6 स्टेज आपको पार करनी पड़ती हैं, तब जाके आप ऐसी स्थिति में आते हो। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आपको इन 7 स्टेज को फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और इन 7 स्टेज को अगर आप पाना चाहते हो तो उसका एक गोल्डन फार्मूला यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि एक 20 साल का बच्चा अगर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो वो अपनी 50s में जितनी अमाउंट क्रिएट कर पाएगा उसके लिए उसको बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, जबकि एक 40 साल का आदमी अगर उसी चीज़ को शुरू करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तब भी उसका वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये सारा पॉसिबल होता है कंपाउंडिंग की वजह से। क्योंकि ऑथर कहते हैं आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जितना टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे, जितना समय आप ग्रो करने के लिए दोगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, आपके पास उतना ही ज़्यादा पैसा होगा, आपके पास उतना ही ज़्यादा इनकम आपके भविष्य में होगी। तो अभी आपको क्या करना है, जल्दी से आपको शुरू करना है। आप 20s में हो, 25 में हो, 30s में हो, नो मैटर किसी भी एज में, आप एज ग्रुप में आप इस समय हो, आपको अभी से शुरुआत करनी है, आज से शुरुआत करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आजकल तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम SIP कहते हैं बहुत बढ़िया तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपने देखा है कि हम आने वाले 20 साल 15 साल 20 साल 30 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप सभी के पास हैं, कंपाउंडिंग आपके लिए क्या जादू का काम कर सकती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो इन 7 फॉर्मूलों को अपनी लाइफ में ध्यान करके रखो। इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक्स आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत कुछ है अगर आप इस पर फोकस करोगे तो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बुक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।